सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स की गुरफिश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे यार जल्दी से हम बात कर लेते हैं पहले पुराने पोल को लेके, जहाँ पे सवाल ये था कि आप अभी जो रिसेंटली फोन्स लॉन्च हुए हैं उनमें से किसकी तरफ भैया जा रहे हैं ज्यादा। तो आप में से बोला है 46% ने कि हमको पसंद आया है Realme का X50 Pro, 32% बोलते हैं कि भैया हमारे लिए तो है iQOO 3, और 21% बोलते हैं कि हम जो है वो चूज कर रहे हैं Samsung Galaxy M31 को। यहाँ पर दूसरी तरह से आज का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। आप अपने फोन को नॉर्मली दोस्तों साइलेंट रखते हैं, रिंगिंग मोड पर रखते हैं, या फिर रखते हैं वाइब्रेट होने के लिए, कौन सा ज्यादा भैया मोड यूज करते हैं? मुझे बता रहा था दोस्तों क्या है आपका जवाब ऊपर दिए गए पोल में, नीचे कमेंट्स में। और आज की जो खबरें भैया वो बहुत ज्यादा गर्मा गर्म है, तो आप जल्दी से इसी बात को ध्यान में रखते हुए लाइक के बटन को दबा ही दो। दोस्तों बात करते हैं पहले अपडेट को लेके। तो ओप्पो का जो फाइंड X2 प्रो है उसके अभी जो कुछ लीक दिए प्रोमो शॉट्स दोस्तों हो गए हैं, जिससे मालूम चलता है कि उसमें होने वाला है एक पेरिस्कोप कैमरा। और यहाँ पर दोस्तों ये जो कैमरा है देख के लगता है कि भैया कुछ नेक्स्ट लेवल वाला सही होने वाला है। ऐसे में की तरफ से 6 मार्च को फोन लॉन्च होने वाला है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि जो फाइंड X2 है ये आखिर क्या ऑफर करता है हमें कैमरा के मामले में या डिजाइन के मामले में, बिकॉज फाइंड X2 आया था वो काफी कमाल था। देखते हैं अभी फाइंड X2 और X2 प्रो में क्या नया होता है। अगला अपडेट निकल के आता है यहां पे फूजी फिल्म की तरफ से, और यहां पर दोस्तों उन्होंने लॉन्च कर दिया है थोड़ा सा स्लिमर वर्जन इंस्टेक्स मिनी 11 का, जहां पर दोस्तों अभी एक हमको इसमें ऑप्शन मिल जाता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर का। तो मतलब अगर आपको वो इंस्टेंट शॉट्स पसंद है कि आपने बटन दबाया फोटो खींचे निकल गया प्रिंट हाथों हाथ, तो वो अभी आप मजा थोड़ा सा और बेहतर उठा पाएंगे इसी फ्यूजी फिल्म के इंस्टेक्स मिनी 11 कैमरा के साथ में। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है भैया यूरोपियन यूनियन जो है ना वो मतलब ये काम करने में लगा हुआ है। मतलब अभी दोस्तों यहाँ पे बात कर रहे थे कि भैया सभी फोन्स जो है उनके लिए चार्जिंग स्टैंडर्ड कॉमन हो जाए, तो शायद अभी आईफोन के अंदर हमको USB-C पोर्ट देखने को मिले। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों एक और प्लानिंग चल रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा सा और काबू करने के लिए मोबाइल फोन्स में पहले की तरह अभी वापस से रिमूवेबल बैटरीज होनी चाहिए, ताकि अगर बैटरी में दिक्कत हो तो आप बैटरी को चेंज करो, फोन आप जो है वो वही यूज करते रहो। वरना आजकल क्योंकि बैटरी से हम निकाल नहीं पाते, इसी चक्कर में भैया फोन जो है उसे ज्यादा लंबा हम यूज नहीं कर पाते हैं और ऐसे में बढ़ जाता है ई-वेस्ट। क्या पता, इमेजिन करो एप्पल लॉन्च करेगा अपना आईफोन जिसका ढक्कन खोल के आप बैटरी निकाल सकते हो, दिन आ सकता है दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं अभी यूरोपियन यूनियन का इस चीज को लेके क्या फैसला निकलता है। यहाँ पे अगला अपडेट निकल के आता है क्वालकॉम की तरफ से, और क्वालकॉम ने भैया कर दी होशियारी ऐसी शानदार कि मतलब क्वालकॉम को दोस्तों बताना था कि भाई कौन कौन से मोबाइल फोन्स में अभी स्नैपड्रैगन 865 जो है वो यूज किया जा रहा है। तो क्वालकॉम ने एक लिस्ट भेज दी जहां वो दोस्तों ऐसे ऐसे मोबाइल फोन्स के नाम है जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुए हैं, मतलब कंफर्म हो गया पहले से कि हाँ भैया ये फोन है और इसमें ये वाला प्रोसेसर है। फॉर एग्जाम्पल एसुस का ज़ेनफोन 7, या फिर दोस्तों एसुस का ROG फोन 3, या फिर लीजन का जो गेमिंग फोन है लिनोवो की तरफ से। तो मतलब क्वालकॉम ने खुद ने इन फोन्स के नाम बता दिए और बता दिया कि भैया इनमें लगा होगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। यहाँ पर दोस्तों जो अगला जो है मतलब अपडेट वो निकल के आता है रेडमी K30 प्रो को लेके, कंफर्म कह रही हो ही गया था। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें भी क्वालकॉम की लिस्ट में इसका नाम शामिल था कि जो रेडमी का K30 प्रो होगा उसमें लगा होगा स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर। हालांकि दोस्तों ये चीज रेडमी ने खुद ने भी अपनी तरफ से कंफर्म कर दी है, ये फोन का जो है वो लगता है कि कुछ ऐसा होगा डिजाइन पीछे की तरफ से। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है हमको वही पोको X2 या रेडमी K20 लाइनअप जैसा सेटअप, और सामने की तरफ से कंप्लीट क्लीन स्क्रीन हमको मिल रहा है, ड्यूअल पॉपअप सेल्फी कैमरा। देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या ये सही है या नहीं, और जब फोन लॉन्च होता है तो आखिर क्या स्पेसिफिकेशंस किस कीमत के साथ में ऑफर करता है। अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे Realme की तरफ से, भैया Realme 6 और Realme 6 Pro जो है वो कंफर्म हो चुके हैं, 5 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों सलमान खान जो है वो बन गए हैं Realme के ब्रांड एम्बेसडर, और 64 मेगापिक्सल का होगा यहाँ पे रियर क्वाड कैमरा Realme 6 लाइनअप में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ड्यूअल पंचोल हमको दिख रहा है, 90 हर्ट्ज का स्क्रीन दोस्तों उम्मीद करते हैं
हैं कि होगा, मतलब ऐसे में काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं फिलहाल कि जो Realme 6 और Realme 6 Pro है अपने साथ में लेके आएंगे। अभी ऐसे में लीक्स तो खैर निकल के आ ही रहे हैं, साथ में कंफर्म्ड जो है न्यूज वो भी आ चुकी है। सलमान खान बन गए हैं खैर ब्रांड एम्बेसडर, तो देखते हैं आखिर कि Realme 6 और 6 Pro में हमको क्या कुछ नया देखने को मिलता है। 64 MP का कैमरा, 90Hz का फ्रंट डिस्प्ले, ड्यूअल सेल्फी कैमरा, अब प्रोसेसर कौन सा होगा, 730 या 730G या MediaTek, देखते हैं। आपको बहुत जल्दी एक एक्सक्लूसिव अपडेट के चलते काफी जानकारी मैं दे पाऊंगा, तो उसके लिए लाइक दबा ही दो। उससे बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो अभी यहाँ पे Redmi K30 Pro के भैया कुछ और डिटेल्स निकल के आ रही है कि फोन जो है वो मतलब एकदम काफी डिफरेंट होगा और शायद दोस्तों ये सबसे कम कीमत पे आने वाला फोन बनेगा Snapdragon 865 के साथ में। मतलब फिलहाल देखा है कि इंडिया में जो IQ 3 है 36,990 रुपए की कीमत में बन जाता है सबसे सस्ता फोन Snapdragon 865 के साथ में, लेकिन अभी हमें बोलते हैं कि जो K30 Pro है वो बनेगा दुनिया का सबसे कम कीमत पे आने वाला फोन इसी लेटेस्ट Snapdragon प्रोसेसर के साथ में। तो अभी देखते हैं कि क्या कुछ नया हमको मिलता है और ये इंडिया में आता है या नहीं और आखिर कितना जल्दी आता है। फिर पोको F2 Pro का क्या होगा, बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है भाई, क्या पता यही पोको F2 Pro बन के आ जाए या पोको X2 Pro, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है यूनिसॉक की तरफ से और यहाँ पर दोस्तों अभी ये एक 5G SoC को अनवील करने वाले हैं 26 फरवरी को। मतलब यहाँ पर दोस्तों मीडियाटेक के पास में अपना 5G वाला सिस्टम है और क्वालकॉम के साथ में 5G वाला सिस्टम है। यहाँ पे बात हो रही है कि भैया ये जो यूनिसॉक है ये भी अपना 5G वाला सिस्टम अनवील करने वाला है 26 फरवरी को। यहाँ दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है ओप्पो रेनो 3 प्रो को लेकर, जहां पे इसकी कैमरा डिटेल्स जो है वो लॉन्च से पहले ही रिवील हो चुकी है। जहां पे दोस्तों 64 MP का एक क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जहां पे नॉर्मल कैमरा है, साथ में टेलीफोटो है, साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल है, साथ में एक मोनो लेंस और ऐसे में दोस्तों है 44 MP का ड्यूअल सेल्फी कैमरा। देखते हैं आखिर कि ये भी इंडिया में किस कीमत पे आता है और आखिर क्या सब चीजें पैक करके लेके आता है। आपको एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेगा इसका भी, प्लान तो कुछ ऐसे ही चल रहा है। उससे बात करते हैं अगले अपडेट को लेके। तो भैया 2019 का जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था पूरी दुनिया भर में वो था iPhone XR, जिसको एप्पल ने 2018 में लॉन्च किया था, लेकिन 2019 में उसकी कीमत थोड़ी सी और कम हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों बिका और मतलब बिका तो क्या भयंकर बिका, बहुत ज्यादा बिका, जहां पर दोस्तों मतलब सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था और जो दूसरे नंबर में सबसे बिकने वाला फोन था वो भी एप्पल का ही था, वो था iPhone 11। वैसे आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जिनके पास में iPhone XR या iPhone 11 है और जिन्होंने भैया अभी 2019 में ही लिया है। iPhone 11 तो 2019 के बाद से ही ले सकते थे, लेकिन बताओ क्या आप देख रहे हो आसपास ज्यादा ऐसे फोन आजकल बढ़ते हुए, नीचे कमेंट में आपकी मन की बात क्या है। यहाँ पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है ओप्पो की वॉच को लेके, फोटो सामने निकल के आ गई है जहां पर दोस्तों को दिख रहा है वो कर्व्ड ग्लास डिस्प्ले इस वॉच का और ऐसे में डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी देखते हैं एग्जैक्टली कि क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं। और वॉचेस की तो भैया कहानी कुछ ऐसी है कि इस साल स्मार्ट वॉचेस आपको लगभग सभी ब्रांड्स की तरफ से देखने को मिल जाएगी, फिर चाहे वो ओप्पो के बाद में रियलमी हो या वन प्लस हो या ओप्पो तो खैर हो गया तो वीवो हो, मतलब स्मार्ट वॉचेस स्मार्ट बैंड्स इस साल भयंकर एक्सेसरीज जो है उनका गेम होने वाला है। अगला उसमें अपडेट निकल के आता है फेसबुक और गूगल या फिर दोस्तों ऐसी और बड़ी कंपनीज को लेके, जहां पे अभी जो है ये मतलब लड़ रहे हैं कि भैया कैसे जो कोरोना वायरस है उसको लेके जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है उसको दोस्तों काबू किया जा सके। बिकॉज कोरोना वायरस को लेके बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे हैं, कुछ सही है कुछ नहीं है। फिर दोस्तों अगर आपसे बात करता हूँ सोशल मीडिया की, तो ऐसे में वहां पे भी बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती जा रही है, तो उसको काबू करने के लिए गूगल या फेसबुक या दोस्तों ट्विटर वगैरह बहुत ही एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे चीजों को रोका जा सके। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकलता है जियो की तरफ से, जहां पर दोस्तों जियो जो है उसको एक डिक्लाइन देखने को मिला है दिसंबर के महीने में नए सब्सक्राइबर्स के आने का। बिकॉज आप दोस्तों जानते हैं थोड़े से टैरिफ महंगे हुए हैं, थोड़ी सी कीमतें बढ़ी हैं, तो भी ऐसे में जियो हालांकि लीड ही कर रहा है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स जियो ही ऐड कर रहा है हर महीने, लेकिन अभी दिसंबर में थोड़ा स्लो डाउन जियो ने भी फेस किया है। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकलता है इसरो की तरफ से, ऐसे में 5 मार्च को इंडिया तो लॉन्च करने वाला है एक नई इमेज सेंसिंग सैटेलाइट JSAT-1 और यहां पर दोस्तों इसरो ने इसको कंफर्म कर दिया है और ये दोस्तों एक नई जियो इमेज सेंसिंग सैटेलाइट है जिसके चलते और काफी एडवांसमेंट्स के साथ में काफी मदद मिलेगी कि कैसे हम जो है दोस्तों कुछ इमेजरी को या दोस्तों कैसे हम चीजें कैप्चर कर पाते हैं हमारी धरती से जुड़ी हुई, और इंडिया जो है उसको डेफिनेटली काफी फायदा होगा इसी JSAT-1 सैटेलाइट से। यहां पर दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है हमारे पास में ये कि खबरें सारी खत्म हो चुकी है, न्यूज काफी शानदार थी आज। मतलब आप सोच के देखो अभी कि दोस्तों आगे क्या क्या होने वाला है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं, बढ़ रही हैं, मतलब
भयंकर अभी जो है टाइम बस शुरू हुआ है और दोस्तों आगे आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारा कुछ आप नया होते हुए देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।